पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार का दौर जारी है। आपको बता दें कि इस बार आरएलपी पार्टी और आजाद समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिसमें यह चुनाव काफी रोचक हो चुका है। वहीं आरएलपी प्रत्याशी के पार्टी के प्रत्याशी हरिराम घांची भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं उन्होंने सुमेरपुर में विकास के मुद्दों पर क्षेत्र की जनता से वोट मांगी है। मीरपुर क्षेत्र की जनता का बहुत अच्छा प्रभाव इस बार दिख रहा है आरएलपी की तरफ, और वो चाहते हैं बदलाव कि कांग्रेस और भाजपा का मिला जुला जो खेल है 5-5 साल का, वो इस बार ख़त्म होने की ओर जनता का मन बना लिया है। और जनता चाहती है कि हर गांव में, हर खेत में नहर का पानी जाए और हर गांव की सड़कें अच्छी हो और चिकित्सा व्यवस्था भी अच्छी हो, और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य अगर चाहते हैं तो फिर आरएलपी के वोट इस बार अच्छे गिरेंगे। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी का जो उम्मीदवार मैं हूं, वो उनको वोट देने का उन्होंने मन बना लिया है, और वो चाहते हैं कि वास्तव में कांग्रेस बीजेपी का जो खेल है उनको अभी खत्म करने का मन बना लिया है। इस बार सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र का युवा दोनों ही पार्टियों से परेशान है, और वो ठान ली है कि इस बार हम बदलाव करके रहेंगे, क्योंकि इनका मिला जुला खेल से लोग परेशान है। और इस पे मुझे एक लाइन याद आती है हमारे जो उम्मीदवार हैं आरएलपी के, कि बात कहू मैं हाची, हमारे उम्मीदवार है हरिराम जी घांची, और इनका कहना है कि राजा हो या रानी सबको पिलाएंगे मीठा पानी। और इन्होंने जो चुनाव का चिन्ह है बोतल, उस बोतल को हम वोट से भर करके सभी को पानी पिलाएंगे। और कहना चाहूँगा मैं कि मुझे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी चाहत है इस विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर की तस्वीर बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी।